हाय दोस्तों, क्या आप दाल चावल रोटी सब्जी खा के बोर हो चुके हो और कुछ नया खाने का मन हो रहा है? तो दोस्तों, ये रेसिपी आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूँ शेफ महेश राम और आज मैं लेके आया हूँ मशरूम इन पेरी पेरी सॉस विथ स्पिनिच राइस। दोस्तों, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी लिया है और उसको बॉयल करने रखा है। उसमें हम तकरीबन एक छोटा बंच पालक कर लिया है रफली चॉप करके और इसको हम बॉईल कर लेंगे। इस पालक के अंदर हम एक हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से पालक का जो लाइट ग्रीन कलर है वो बना रहेगा। तो दोस्तों, इसको हम बॉईल करने के लिए साइड में रखते हैं और साथ ही हम एक पैन लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और जो मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया हुआ है उसको 4-4 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे हम सॉटे कर लेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पानी छोड़ चुका है और इसको पानी सूखने तक हम सॉटे करते रहेंगे। और अब ये तकरीबन हो चुका है तो इसको हम एक प्लेट में खाली कर देंगे। साथ ही मैंने जो पालक बॉईल किया था उसको एक छन्नी के जरिए छान लेंगे और इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम पेरी पेरी सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर और बटर को होने देंगे मेल्ट। और कोशिश करें आप ये सॉस है वो बहुत ही स्लो आंच में ही बनाएं। तो बटर मेरा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। और अच्छी तरीके से हम स्लो आंच में ही भूनते रहेंगे। मैदे को कभी भी तेज आंच में ना भूनें, उससे वो ब्राउन हो जाएगा। और जब वाइट सॉस आप बनाते हो और वो ब्राउन दिखे तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको स्लो आंच में ही भुने। ये अपने आप पता चल जाएगा, जब ये कढ़ाही में स्प्रेड होने लग जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये हो चुका है। तो आप अभी देखोगे, देखिए ये स्प्रेड होने लग गया है, इसका मतलब ये हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क तो अब इसमें हम तकरीबन 400 ml मिल्क ऐड करेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे जिससे कि ये लम्स ना बन जाए। और अब ये बॉयल होने लग गया है तो अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये सॉस हम बना रहे हैं पेरी पेरी। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे पेरी पेरी मसाला। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐड करें, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम ऐड कर सकते हैं, आप टेस्ट कर लें। मैंने तो 2 टीस्पून इसको ऐड किया है। आप देख सकते हैं पेरी पेरी का कलर दिख रहा है बहुत बढ़िया। अब इसमें हम जो मशरूम सॉटे कर लिए थे वो ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से एक बार बॉईल होने देंगे। तो देख सकते हैं आप ये बॉईल हो रहा है और ये अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। तो आप इसको हम साइड में रखेंगे और पालक राइस बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया एक कढ़ाई में, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरा जैसे ही क्रैक हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक
उसके बाद हमने जिंजर लिया है 1 टेबल स्पून, और इन दोनों को हम अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम तकरीबन 2 ग्रीन चिली लिया हुआ है, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। तो जो हमने पालक बॉईल करके पेस्ट बना लिया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके बॉईल होने देंगे। ध्यान रहे इसमें हमने थोड़ा नमक डाला हुआ है बॉईल करते वक्त। तो हमने चावल बॉईल किया था तकरीबन 1.5 कप, वो ऐड करेंगे। हालांकि मैंने चावल बॉईल करते हुए आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, लेकिन वो इजी प्रोसेस है। तो आप 1.5 कप नॉर्मल चावल जैसे बनाते हैं वैसे बना लें और आप इसमें ऐड कर लें। तो नमक भी हमने इसमें ऐड किया है, तो अब ध्यान रखें कि पालक में भी नमक था, और अगर कम है तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पालक राइस भी हमारा बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीका था। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। एक साइड में हमने पालक राइस डाला हुआ है और दूसरी तरफ हमने जो मशरूम पेरी पेरी सॉस के साथ में बनाया हुआ है वो हम ऐड करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सर्व के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उसी से मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।